मैं डॉक्टर रविनाथ शर्मा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क। जैसा कि मैं हम लोगों ने इस वीडियो के पहले भाग में प्रोबेशन को डिस्कस किया और ये जाना कि आधुनिक सुधारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रोबेशन क्या होता है। आधुनिक सुधारात्मक प्रक्रिया का एक दूसरा जो प्रोसेस है जिसको हम लोग पैरोल बोलते हैं, अब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। पैरोल को इस बिंदु के अंतर्गत हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मीनिंग प्रोबेशन को हम लोगों ने देखा था कि उसमें सजा को पोस्टपोन करके अपराधी को छोड़ा जा रहा था, लेकिन पैरोल में ऐसा नहीं होता है। पैरोल में का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत अपराधी को उसकी सजा का लगभग वन थर्ड भाग भोग लेने के बाद उसे कई शर्तों के साथ रिलीज किया जाता है। पैरोल शब्द का मतलब होता है निरीक्षण में छोड़ा गया अपराधी। पैरोल की कई समाजशास्त्रियों और प्रशासकों ने जो परिभाषा दी है, इसमें सदरलैंड है, क्रेची है, टैक्ट है, गोडार्ड है, इनकी सब डिफिनेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आती है कि पैरोल किसी भी अपराधी का की सजा का जब वह वन थर्ड भाग भुगत लेता है, पूरी कर लेता है, तो उसके आचरण, उसके बिहेवियर और उसके जेल में के अनुशासन के आधार पर हम उसको कई शर्तों के साथ छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको पैरोल कह सकते हैं। तो एक सर्वमान्य परिभाषा में ये चीज आई है कि सशर्त मुक्ति एक सबसे बड़ा फैक्ट के रूप में है। अब हम लोग पैरोल की मुख्य विशेषताओं को देखेंगे। तो पैरोल की जो सबसे बड़ी मुख्य विशेषता है कि यह जेल से सशर्त मुक्ति है। जब कोई अपराधी जेल की सजा काटने के दौरान अपनी आधी से ज्यादा वन थर्ड सजा अगर काट लेता है और अगर जेल अधिकारी इस बात की अनुशंसा करता है कि उसका व्यवहार और उसका जेल के दौरान अनुशासन काफी उत्तम अच्छा है, तो उसको कई कंडीशन के साथ वह जेल से रिहा किया जा सकता है। इसे हम इसका सबसे बड़ा एलिमेंट है। जो अपराधी पैरोल पे छोड़ा जाता है उसको पैरोली बोलते हैं। तो जो पैरोली है उसकी सबसे बड़ा आचरण देखा जाता है। दूसरा सबसे बड़े मुख्य इस पैरोल की विशेषता है कि इसमें अपराधी के सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक समायोजन की भी बात बहुत अच्छे से कही गई है। इसके अतिरिक्त पैरोल में सबसे बड़ी बात है कि वह पैरोल एक पैरोल अधिकारी के निगरानी में वो अपने इस मुक्ति की शर्तों को पूरा करता है। इसका जो उद्देश्य है, पैरोल का सबसे बड़ा उद्देश्य है, एक सुधारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और इस पैरोल का मुख्य उद्देश्य है कि हम जेल पे जो एक आर्थिक व्यय है उसको कम करें। जेल की सजा देने के बाद अगर अपराधी का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सामंजस्य पूर्ण हो रहा है, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अतिरिक्त एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हमारा जो उद्देश्य है दंड देने का वह फुलफिल हो रहा है, उस अपराधी में पूरा हो रहा है, तो हम उसको कई कंडीशन के साथ छोड़ते हैं, जो कि इसके मुख्य उद्देश्य में आता है। यह मुख्य उद्देश्य इन सब सारी चीजों को सबसे जो इस सारे सुधारात्मक प्रक्रिया की आत्मा है कि व्यक्ति का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से समाज में सामंजस्य हो, समाज उसे पुनः एक्सेप्ट करे। कई कंडीशन होती है पैरोल में, जैसा कि हम लोगों ने प्रोबेशन में भी लिखा था, पैरोल में भी कई कंडीशन है। पैरोल की कंडीशन के अंतर्गत वह पैरोल के जो पैरोल अधिकारी है, जो कि एक बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, एक पैरोल बोर्ड होता है जो एक अर्धशासकीय संस्था होती है, वह अगर वह देश छोड़ने के पहले अनुमति लेगा, अगर वह अविवाहित है तो विवाहित करने के लिए अनुमति लेगा, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है या समाज में कोई ऐसा मेजर वर्क करना चाहता है जिससे कई व्यक्ति जुड़े हैं, उसे उस पैरोल अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ती है। अगर इन शर्तों का वह उल्लंघन करता है तो उसकी पैरोल की अवधि को समाप्त करके उसे पुनः जेल भेज दिया जा सकता है, और अगर वह शर्तों का उल्लंघन गंभीर तरीके से हुआ है तो उसकी सजा अवधि को भी बढ़ाने की अनुशंसा की जा सकती है। इसके अलावा जो पैरोली है, पैरोल के दौरान, पैरोल में छूटने के दौरान किसी भी प्रकार के आर्म्स एक्ट का उल्लंघन नहीं करेगा, कोई भी हथियार नहीं रखेगा और ऐसा अधिकार जो विधि के विरुद्ध। अब हम लोग पैरोल के प्रकार को देखेंगे। मुख्य रूप से पैरोल के दो प्रकार होते हैं। ये पहला होता है कस्टडी पैरोल और दूसरा होता है रेगुलर पैरोल। कस्टडी पैरोल, जैसा कि इसके वर्ड में ही है कस्टडी, ये पुलिस द्वारा छोड़ा जाता है और पैरोल के दौरान जब वो छोड़ा जाता है तो पुलिस के ही कस्टडी में रहता है। जैसे मान लीजिए पैरोली के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई,
पैरोली के परिवार में किसी का विवाह हो गया, पैरोली के परिवार में किसी कोई बच्चे का जन्म हुआ, या इस प्रकार की हम लोग अक्सर फिल्मों में भी इस बात को देखते हैं कि तो पुलिस लेकर आती है और अंतिम संस्कार के बाद उसे पुनः ले जाती है जेल में, तो इसे कस्टडी पैरोल कहा जा सकता है। दूसरा होता है रेगुलर पैरोल। रेगुलर पैरोल की भी प्रोसेस कस्टडी पैरोल ऐसी है, लेकिन इसमें उसको कस्टडी में ना रखे पूरे विश्वास के आधार पर छोड़ा जाता है, और ताकि और वो अपराधी जो होता है वो अपने उस कार्य को करके पुनः रिपोर्ट करता है। इन दोनों के अंतर को समझने की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कस्टडी निगरानी के दौरान की जा रही है और इसमें अपराधी को एक विश्वास के आधार पर छोड़ा गया है, लेकिन दोनों का आधार जो है उस अपराधी के जेल के दौरान रहने वाले अनुशासित जीवन और उसके बिहेवियर पर ही डिपेंड करता है। तो ये पैरोल है। अब हम लोग प्रोबेशन और पैरोल को भली भांति समझ गए हैं, अब इसके बाद हम लोग प्रोबेशन और पैरोल में बेसिक क्या अंतर है उसको डिस्कस करेंगे। हम लोग अब यहाँ पे प्रोबेशन और पैरोल को भली भांति से समझ लिए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। सबसे पहले यहाँ पर ये चीज जानना पड़ेगा कि चूंकि दोनों उपचारात्मक और सुधारात्मक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें कई कई बिंदु ऐसे हैं जिस आधार पर दोनों को हम विभेद कर सकते हैं। सबसे पहले जो है कि जो प्रोबेशन है, ये प्रोबेशन की जो छूट है ये न्यायालय द्वारा दी जाती है, जबकि पैरोल की छूट है पैरोल बोर्ड देता है। ये इसमें सबसे बड़ा इसमें मूलभूत अंतर है। दूसरी है कि प्रोबेशन में सजा को स्थगित किया जा सकता है, जबकि पैरोल में सजा स्थगित नहीं की जाती, बल्कि पैरोली अपनी सजा का कुल 1/3 एक तिहाई भाग पूरी करने के बाद ही वह पैरोल में का अधिकारी बनता है। तीसरा है कि प्रोबेशन में का जो उद्देश्य है सामाजिक और मुख्य रूप से सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सामंजस्य से जुड़ा हुआ है, जबकि पैरोल का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है उसके आर्थिक समायोजन से जुड़ा हुआ बिंदु है। प्रोबेशन प्रथम बार अपराधी को ही दिया जा सकता है, हालांकि कई एक्सेप्शनल केस हैं जिसमें द्वितीय बार अपराधी को भी दिया गया, लेकिन एक बहुत रेयर है। मूलतः प्रोबेशन प्रथम बार अपराधी को दिया जाता है, जबकि पैरोल जो है उसमें ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है कि हम प्रथम बार अपराध के लिए व्यक्ति को ही पैरोल पे छोड़े। पर प्रोबेशन में जो दंड का स्वरूप है अगर वह गंभीर प्रकृति का है तो उसको हम प्रोबेशन पर नहीं छोड़ सकते, जबकि पैरोल में ऐसा नहीं है। पैरोल में अगर वह गंभीर प्रकृति का भी अपराधी है और अपनी सजा 1/3 किया है, उसके उसका बिहेवियर जेल में अनुशासन बहुत अच्छा है, तो उसे हम लोग पैरोल पर छोड़ सकते हैं। प्रोबेशन को जो सामाजिक दृष्टिकोण से है एक उपचारात्मक प्रक्रिया मानती है, इसलिए प्रोबेशन से जो छोड़े जाने वाले अपराधी हैं उनको एक सामाजिक उपचारात्मक रूप से देखता है, जबकि पैरोल में वह उसे एक कैदी के रूप में स्वीकार कर सकता है। प्रोबेशन की प्रक्रिया पैरोल की प्रक्रिया की अपेक्षा से काफी सरल होती है, जबकि पैरोल की प्रक्रिया चूंकि 3 स्तर से वो गुजरती है अतः यह थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त जो प्रोबेशन पे है इसमें अपराधी की उम्र का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, जबकि पैरोल में उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं होता, सिर्फ उसके अनुशासन और जेल के दौरान रहने वाले अनुशासन और उसके 1/3 सजा होने की कंडीशन को विशेष रूप से फोकस किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो प्रोबेशन है यह सुधार की प्रथम अवसर है, लेकिन पैरोल को हम उपचारात्मक या सजा की उस पैरोली के लिए अंतिम अवसर के रूप में जा सकते हैं। तो ये थी प्रोबेशन और पैरोल में कुछ मूलभूत अंतर, और अंत में हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि प्रोबेशन और पैरोल आधुनिक सुधारात्मक प्रक्रियाओं की जो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है और तमाम कमियों और विसंगतियों में रहने के बावजूद हम यह कह सकते हैं कि अगर प्रोबेशन और पैरोल का बहुत ही अच्छे तरीके से अगर इसको लागू किया जाता है तो अपराधी के सामाजिक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक समायोजन और सुधार की प्रक्रिया काफी प्रभावी हो जाती है, और ये हमारे दंड प्रक्रिया की जो आवश्यकता है, कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता है कि हमारा जो उद्देश्य है कि हम सबका सामंजस्य करें उसमें भले।